काकरपुर प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल के खिलाफ सोशल नेटवर्किंग साइट में अपशब्दों का प्रयोग करने वाले दो युवकों के खिलाफ मामला दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार किया गया है। मामला कोतवाली थाना क्षेत्र का है। 5 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से दीये जलाने की अपील की थी, जिस पर प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्विटर पर एक पोस्ट कर अपना पक्ष रखा था। सीएम के पोस्ट का स्क्रीनशॉट सोशल साइट पर पोस्ट कर खिलाड़ी मोहित और करण यादव नाम के युवक ने सीएम के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग किया है और एनएसयूआई के प्रदेश सचिव चमन साहू ने मामले की शिकायत दर्ज करवाई थी। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ आईटी एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर लिया है। तक का प्रयोग एक मुखिया के लिए और किसी के लिए भी नहीं होना चाहिए, तो मैंने पूरे अपने कुछ लोगों को बताया। पार्टी के लोग भी इससे नाराज है, कांग्रेस पार्टी के लोग भी इससे नाराज हैं, तो हम लोग तुरंत गए। मैंने शिकायत दर्ज कराई, कुछ लोग गवाह भी हैं और जाके एफआईआर कराया। प्रशासन के विरुद्ध अभद्र टिप्पणी एवं आपत्तिजनक टिप्पणी करने के संबंध में आवेदन पत्र था, जिसके अवलोकन पर फेसबुक में मोहित और करण यादव नाम के जो लड़का है, जो लोकल कांग्रेस के रहने वाले हैं, उनके द्वारा आपत्तिजनक टिप्पणी करना पाया गया, जिस पर संज्ञेय अपराध घटित होना पाए जाने पर आईटी एक्ट के धारा के तहत दोनों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध करके आज के लिए तैयार करके माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है।